खबर सरावस्ती जिले से, जहां पर पुलिस उप महानिरीक्षक देवी पाटन परिक्षेत्र गोंडा शुक्रवार को सरावस्ती पहुंचे। यहां उन्हें पुलिस लाइन समेत विभिन्न थानों व पुलिस कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न अभिलेखों की जांच की, साथ ही पीड़ितों की शिकायत को प्राथमिकता में लेने का निर्देश दिया। बता दें कि डीआईजी उपेंद्र कुमार अग्रवाल सुबह पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पहुंचे। यहां उन्होंने परेड की सलामी ली तथा परेड का बारीकी से निरीक्षण कर उपस्थित पुलिस कर्मियों का कारण आउट चेक किया। उन्होंने सभी कर्मचारियों को बावर्दी दुरुस्त रहकर अपनी ड्यूटी कर्तव्य निष्ठा के साथ करने तथा जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने की नसीहत दी। इसके बाद क्वार्टर गार्ड में सलामी ली तथा शास्त्रगार व स्टोर रूम, बैडमिंटन कोर्ट, परिवहन शाखा, किड्स जोन, जिला बैरक भोजनालय, सीपीसी कैंटीन, पुलिस क्लब, डीसीआर, सीसीआर, यातायात कार्यालय आदि का भ्रमण कर अभिलेखों को चेक किया और मतहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। यहां से निकलकर डीआईजी सीधे पुलिस कार्यालय पहुंचे। कार्यालय में भी कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान सम्मान गार्ड की ओर से डीआईजी को सलामी दी गई। इस दौरान उन्हें शाखा में नियुक्त पुलिस कर्मचारियों को की ओर से किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली, साथ ही रिकॉर्डो का सही ढंग से रख रखाव व अध्यतन करने का निर्देश दिया। डीआईजी ने कार्यालय सभागार में पुलिस पेंशनर के साथ बैठकर कुशल छेम जाना। इसके अलावा डीआईजी ने थाना सिरसिया व थाना एकौना का भी वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने यहां अभिलेखों की जांच की, मिली खामियों को सुधारने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य, एएसपी केशव चंद गोस्वामी व सीओ अतुल कुमार चौबे, सीओ एमपी शर्मा आदि लोग मौजूद रहे।